एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। सो मैं सुबह आई थी तो मैंने इस टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड की थी और अब शाम को फिर मैं एक दूसरी टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड करने आई। सो मैंने बहुत दिनों से ट्यूटोरियल रिकॉर्ड नहीं किया। मैं इतने दिनों से बस टाइम स्लैप व्लॉग और क्रम्बलिंग वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये टेक्सचर मेरे पास पड़ा था, इसकी सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ना, तो हल्का सा ये साइडों से ना ड्राई भी हो गया, तो इसकी क्रम्बलिंग भी करने में मज़ा आएगा और साथ साथ आपको नया ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। सो ये है मेरा ग्रिटी एश सैंड ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें ना एक टाइम था जब इसमें सैंड बहुत ज़्यादा थी, फिर मेरे पास जब मेरा एश का स्टॉक आया तो मैंने इसमें एश ऐड करी। अब इसमें दोनों चीज़ बराबर है। मैं सोची थोड़ी सी इसमें ना एश और ऐड कर दूँ, क्योंकि बारिश आती है ना, बारिशों में टेक्सचर बिल्कुल ना ख़राब ही हो जाते हैं एक तरह से। देखते हैं चंक्स कितने निकल पाते हैं। जो बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं मैं वही निकाल रही हूँ, वेट में क्रम्बल कर रही हूँ। वैसे तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना उसके तुरंत बाद ही इसकी शेप्स बना लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी रहता है केस मारिश के लिए। पर सुबह टाइम नहीं था, सुबह 3 लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना, और अभी जैसे ही मैंने बोला शोर कम है वैसे ही मंदिर में भजन स्टार्ट हो गया। चलो, वैसे भी मेरे पास है बहुत सारे लेक्चर इनकी मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। बारिश भी बताई हुई है 4 तारीख की, देखते हैं। जैसे ये अब ना यहाँ से चंगे थोड़ा ऊपर खबर से है ना, तो शिमशा पता क्या करती है, एक वेट टेक्सचर लेगी थोड़ा सा, उसको ऐसे ऐसे कर देगी ताकि वो फिल हो जाए और सुंदर सी उसकी शेप आ जाए चंक वाली, और फिर इसको ऐसे उठाएगी और ऐसे रख देगी। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कर लेना, फेक चंक बनाने की। फेक तो क्या ही है, वैसे वेट टेक्सचर जो क्रम्बल करने हैं ना उसमें भी बहुत मजा आता है, क्योंकि वो हम ऑफ कैमरा रिकॉर्ड करते हैं ना, ऑफ कैमरा क्रम्बल करते हैं। लेकिन क्या ही बोल जा रही हूँ मैं, अब जैसे ये वेट ही है एक तरह से तो हमें पता है कितना मज़ा आता है इसको क्रम्बल करने में। तो इसमें मिक्सिंग करते हैं, बहुत कम था, मैं सोच रही थी मैंने वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। चलो अब एक काम ठान लिया करना है तो इसको ही करेंगे। अगर जो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है कि किस क्रम्बलिंग की, सॉरी कौन सी टेक्सचर की, आपको कैसी क्रम्बलिंग चाहिए, कौन सी शेप में क्रम्बलिंग चाहिए है ना, और वाटर क्रम्बलिंग चाहिए, फ्लोर क्रम्बलिंग, ड्राई क्रम्बलिंग, थर्माकोल बॉक्स क्रम्बलिंग, एक कार्डबोर्ड भी मैं लाने वाली हूँ नीचे से, बहुत कार्डबोर्ड पड़ा नीचे। जो मेरा कार्डबोर्ड वाला बॉक्स था ना, बारिश में थोड़ा ऐसे ही हो गया था रद्दी सा, तो मैंने फेंक दिया। और आप बताना मेरे पास एक, वैसे तो बहुत सारे हैं जो फ्लावर पॉट होते हैं ना, अर्दन वाले, अर्दन पॉट्स, वो भी पड़े हैं। अगर जो आपको उसमें क्रम्बलिंग देखनी है तो ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक क्रम्बलिंग वीडियो फॉर यू। व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, अपनी मेहनत तो हम प्रॉपर करेंगे ना, प्रॉपर तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं, मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं कहती हूँ जब मेरे व्यूज़ कम आते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि फ़ोन ना
बहुत दूर है मेरे से। और मुझे ना एक बार ज़रूर बताना कि आपको जो टाइम स्लैप है वो कैसे लगते हैं, बहुत यूनिक आइडिया है। जैसे ब्लॉगर्स होते हैं वो कार्स के, ट्रैफिक के या आसमान के वो टाइम स्लैप लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों हम अपनी शेप्स मेकिंग के टाइम स्लैप ना ले लें, है ना। तो आइडिया बताना कैसे है, तो जो जैसे भी आपके थॉट्स हैं पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं मुझे तो ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपनी कोई भी थॉट्स मेरे साथ शेयर करते हो ना। पता नहीं प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं मिक्सिंग। और अच्छा एक और बात कहेंगे, ब्लॉग्स पे तो मेरा बिल्कुल ही डल जो व्यूज़ हैं, ब्लॉग्स पे बिल्कुल ही डल व्यूज़ है। ऐसा क्यों है आई सीरियसली डोंट नो। मैं तो पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं जैसा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ ब्लॉग्स में, एक्साइटिंग ब्लॉग्स बना पाऊँ। मतलब क्रम्बलिंग वीडियोस पे व्यू बहुत कम है, अब 1/4 है मेरे उसी के व्यूज़ मेरे ब्लॉग्स पे। शॉर्ट्स का तो पूछो ही मत, शॉर्ट्स तो मेरे ख्याल माइनस में ही चल रहे हैं मेरे व्यूज़। वैसे 4 तारीख की बारिश बताई हुई है, आज 1 तारीख है, पर पता नहीं मैं फिर भी क्यों शेप्स बना रही हूँ। मैं मम्मी आ रही है, मैं मम्मी से पूछती हूँ। सो मैंने सोचा इसकी मैंने मिक्सिंग तो कर ली है, अब अगर जो मैं आप इसकी शेप मेकिंग दिखाऊंगी तो फिर से वही हो जाना है ना, क्या कहते हैं उसको, टाइम स्लैप। ठीक है, तो मैंने सोचा एक टेक्सचर पड़ा इसकी क्रम्बलिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं वेट की। देखना मर्ड की वीडियो, ये भी मैंने सुबह ही रिकॉर्ड की थी इसकी वीडियो, पूरा सख्त हो गया। ये देखो पता नहीं कहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा इसको ऐसे रख लेते हैं। मैंने इसकी मडी वाटर में थोड़े जो होते हैं ना उसमें रिकॉर्ड करी इसकी वीडियो। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत है, बेस्ट टेक्सचर मुझे जब भी लगता ही है। देखो वो सारे सूख के चंक बने हुए हैं, अच्छा मेरे को एक ना बात पूछनी थी सभी ASMR से, जैसे जो धूल उड़ के बिल्कुल मुँह पर आती है ना और जब फेस भी कवर नहीं किया होता और एकदम फेस पे आती है या धूल होती है तो कैसा लगता है, तब डस्टीनेस में मजा आता है या फिर जो आँखों में मिट्टी जाती है बालों में घुसती है उससे मजा आता है। वैसे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो फेस कवर कर लेती हूँ, पर फिर जब टेक्सचर बना रही हूँ तो मैं नहीं करती। अब ना ये ASMR के लिए सबसे कन्फ्यूजन सिचुएशन आ जाती है जब अभी 4-5 दिन में बारिश भी होनी होती है, मोस्टली सभी टेक्सचर मेरे ड्राई हैं पूरे छत पे, तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करें या और टेक्सचर जो है उनकी शेप्स बनाएं, और शेप्स बनाने का मन भी कर रहा होता है जैसे कि मेरा कर रहा है अभी। देखो इसको तो छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे अभी दूसरे टेक्सचर की ओर। अब मैं सोच रही हूँ सुबह आके ना अब शेप्स बनाया जा करूँ और शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर ला करूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस। जो मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊँगी तो उसकी शेप नहीं तब बन पाएगी, प्लस मंदिर में भजन भी बड़े तेज़ चल रहे होते हैं क्योंकि सड़क पे बिल्कुल शोर नहीं होता, तो मंदिर में जो भजन होते हैं वो एकदम लाउडली सुनाई देते हैं। ठीक है, शाम को इतने नहीं सुनाई देते क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक होता है, वो थोड़े धीरे ही चलते हैं, पता नहीं क्या उनकी वो है। और अगर जो मैं शाम को वीडियो बना लूँ तो वो फिर मैं सुबह आके उनकी शेप्स भी बना सकती हूँ और वो इतना ड्राई भी नहीं होगा टेक्सचर, वरना शाम को फिर सुबह जो वीडियो रिकॉर्ड करूँ शाम तक वो ड्राई ही हो जाएगा। तो मैं अपने पहले वाले रूटीन पे आऊँगी। इतना कितना मज़ा आता है बैठ क्रम्बलिंग करने में। एक बात बता देती हूँ मैं आपको,
वीडियो, जैसे सैटरडे संडे को ना मुझे थोड़ा लालच भी आ जाता है कि भाई मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। चाहे वैसे मोस्टली तो मेरे टेक्स्ट ड्राई ही रहते हैं, क्योंकि फिर ना शेप बनाने में ना मेरे को समीक्षा की हेल्प मिल जाती है, इसलिए। वैसे कहीं के बाद मुझे धोखा भी दे जाती है, जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया, पिछले ब्लॉग में। किसी को देखना है तो जाके देख सकता है, जिसने नहीं देखा है। इतना बड़ा चंग अगर जो किसी स्टैंड सिंगिंग टेक्स्चर का निकल जाता, किसी ऐश वाले टेक्स्चर का निकल जाता, येलो ब्लॉक का निकल जाता, पर निकला किस मर्ड का, जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हार्ड हो जाना है। क्या करें, तुम्हारा देखा कुर्ता भी मेरे पास नहीं पड़ा। अच्छा ये बताना, ब्रेड क्रम्बलिंग में किस किस को मजा आता है, वेट या डैम्प कह लो? मुझे तो आता है। लो इसको जल्दी से क्रम्बल करते हैं, भजन स्टार्ट होने वाले हैं। आरती, सॉरी आरती स्टार्ट होने वाली है। चलो ओके बाय। तो अब ना मंदिर में आरती शुरू हो गई, जैसे क्या कुछ ना गिरा हुआ, तो इसलिए मैं इसकी शेप बना लेती हूँ और ब्लैक वाली की शेप बना लेती हूँ। ओके बाय।